Welcome to our 1 million special vlog. अब मैं finally आप देखो मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है दिख रहा है हाँ तो मैं finally 1 million में पहुंचने वाली हूँ खुशी का ठिकाना ही अलग है बट सोचा कि हम मिलियन पहुंचने वाले हैं तो कुछ अच्छा सा खा लेते हैं हम सुबह से भूखे बैठे हैं बट हमारा मिलियन ही हुआ पर हमारा खाना आ गया तो पहले मैं आपको दिखा दी हमने मंगाया क्या देखो और ये पिज्जा ये भी है यहाँ पे जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये भी है यहाँ पे जो कि मेरी सिस्टर है अच्छा बेचारी चिन्नू 1 million का ये पपूरा लेके आई थी पर ना इसने यहाँ पे रखा डिजाइन में उतने में ना हमारा ये एम का पुज्जी उड़ गया एंड ये रहा मेरा चैनल डू सब्सक्राइब गाइस दबाओ इसको मैं तो दबा रखा हुआ तभी ऐसा है देखो तुम लोग को जाके दबाना ऐसे हैं और फिर जो जो वीडियो है ना वो सब देख डालो एक 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 बार देख लो प्लीज ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ आगे मम्मी ने फोड़ा है मम्मी ने फोड़ा चिन्नू को आएगी ना था मैं ये वीडियो में आया ये सब कुछ हिट मेरे वजह से हुआ है अभी सब आपकी वजह से आप को कैमरा नहीं दिलाती तो ये नहीं हो पाता मेरे को हर चीज में सपोर्ट किया आपने थैंक यू अभी बहुत आगे जाना है मम्मी बहुत आगे जाना तो इसका फोटो हो मेरे में थैंक्स बेन गाइस हम ये दिख नहीं रहे होंगे पर हम ये चलो 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 जल्दी झाड़ू कौन सा ऐसे मकान नहीं रख सकता पर गाइस थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया तो पहले झाड़ू कर लेती 1 million तो क्या वो स्टील घर की बेटी हूँ सब तो करना पड़ेगा द नेक्स्ट डे फाइनली 1 million पे पहुंच चुकी है और मैंने बहुत सोचा कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करती हूँ आप लोगों ने बताना मत तो सरप्राइज पार्टी प्लान करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी सबसे पहले हमें इन्विटेशन बनाना पड़ेगा तो ये रहा इन्विटेशन उनके सारे दोस्तों और हम मेरे घर वालों को बुला चुकी हूँ तो मैंने बहुत सारी जगह ढूंढी और उसमें से मुझे ये वाली जगह बहुत अच्छी लगी ओह माय गॉड कितना बड़ा पूल है इनके पास तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे सरप्राइज के लिए तो हम इनवाइट्स भेज चुके हैं और हम जगह भी डिसाइड कर चुके हैं अब बचा है डेकोरेशन डेकोरेशन के लिए तो मैं बात कर चुकी हूँ आई रियली होप उन्हें वो डेकोरेशन अच्छी लगे बट झूठ का क्या करें मेरा मैं क्या बोल के लेके जाऊंगी वहां तक वो तो पक्का मुझे पकड़ लेगी वो शिट मैं सबसे बड़ी चीज तो भूल ही गई मैंने तो केक ऑर्डर ही नहीं करा 1 million के लिए केक भी तो चाहिए और मैं कौन सा केक बनाऊं उसे आपको कौन सा अच्छा लगा ये वाला या फिर ये वाला पता नहीं उनको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा ये गड़बड़ है बाबा अब मैंने सोचा तो है कि ये सरप्राइज बिल्कुल वैसा मूवीज वाला होगा कि लाइट्स बंद होगी और वो एकदम से सरप्राइज हो जाएगी पता नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं क्या हो रहा है हम लोग है ना अभी डिस्क जाने वाले थे लेकिन है ना मेरे को लेट हो गया और है ना अब निकलना था 6 बजे निकलना था और अभी 7:30 बजने वाले हैं बजने नहीं बज गए और 7:30 बज गए तो समझ में सब कुछ गड़बड़ सा हो रहा है क्यों नहीं मेरे को 4 बजे से बोली दीदी आप जाओ रेडी हो जाओ दीदी आप जाओ रेडी हो जाओ ये करे जा रही है तब से फिर उसके बाद ये खुद निकल के बोले मैं अपने स्कूटर में अपने घर जाके यार बताए प्रॉब्लम क्या हुई अच्छा जो भी अब हम जल्दी से लोकेशन डालते हैं अब जैसे उन लोग के पास उन लोगों को जल्दी से पिक करते हैं और फिर बोलो गाली ना दे तो हाँ ओके चलो बाय बाय ये कहाँ से लेके जा रही है बॉम्बे हॉस्पिटल तो मेरे को पता है वहां से सीधे सीधे भी जाते तो भी आ ही जाता ऊपर से गलियों से घुसेड़ के लेके आने का क्या सेंस है वो अभी गांव ले जा रहे को ऐसा लग रहा है यार ये इसने तो जो लोकेशन दी वो यही बता रहा था
कनेक्टिंग द डॉट्स कैसा लगा सरप्राइज? मैं क्या बताऊँ कितना झूठ बोल के तब लोग मंदिर भी नहीं गए क्या? हम कहीं नहीं गए, जाना तो हमको था, एक्चुअली जाना था, शादी में भी जाना था, आपके लिए तो हम रुके। अच्छा, अरे फोटो ले ले, फोटो ले ले, भागते जाते मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचने, बोले इस गले उठा, मैं नहीं जा रही इतनी शेडी गली में, उतना मगर देखा चिन्हा पर तो यहाँ पहुंच गए। हाय हाय, अरे उसका बैठा थोड़ी ना। तेरा यार हूँ मैं। ये कौन चुराया रहा है ये केक यहाँ बैठे बैठे? देखना, मेरी आपके लिए एक क्वेश्चन, केक का फ्लेवर कौन सा था? ओ, इतनी बार खाया पता होना चाहिए। एक मेरे पास भी है। नहीं, हाँ बताओ। ये तो बताओ किसका लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एक बाप की अटका
धीरे 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 मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी नाच मुक्का ला मुक्का हाय घर में सारे गमों को बुला दो मैं तो खुश हूँ तभी तो आज ना जाऊँगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा खाना बस गाइस उसके बाद हम लोग ने सबने मिल बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद हो गए सब लोग ने बातें करी और उसके बाद सब एक एक करके अपने घर चले गए। कुछ इस चीज को ड्रॉप करना था मैं उन्हें ड्रॉप करने चली गई। बट यार दिस वाज इट फॉर द 1 मिलियन व्लॉग गाइस। बट इसमें मैं एंड में एक चीज बोलना चाहूंगी दैट इज थैंक यू सो मच गाइस। को सबसे मेन जो थैंक्स है वो आप लोग के लिए है क्योंकि आप लोग नहीं होते, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो 1 मिलियन नहीं हो पाते। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।